उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम योगी ने कहा, शरीयत संविधान से बड़ी नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा। शरीयत भारत से बड़ी नहीं हो सकती है। मुस्लिमों को घर मकान सब मिल रहा है, लेकिन वो भारत के कानून को भी तो माने। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में मुसलमानों की चिंता के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि मुसलमानों की कौन चिंता नहीं करता, उसे मकान मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, लेकिन वो भारत का कानून भी तो माने। कानून भारत के अनुसार माने, भारत के संविधान का सम्मान करे। सीएम योगी ने कहा कि संविधान के अनुसार ये देश चलेगा। शरीयत हमारा व्यक्तिगत विषय होगा, लेकिन शरीयत संविधान से बड़ा तो नहीं हो सकता। वो इस बात को माने तो भारत की जनता उन्हें सिर आंखों पर बैठाएगी। सीएम योगी ने कहा कि हम तो उस मंत्र को साथ लेकर चल रहे हैं जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो, योजनाओं का लाभ सबको हो, सबकी आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। मदरसों के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि हमने मदरसों के आधुनिकीकरण की ही बात की है, हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए, हमें इसके लिए अपने शिक्षण संस्थाओं को बनाना होगा, इसी पर सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम केवल विकास की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोक आस्था का सम्मान भी करते हैं, हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। वो कर्फ्यू लगाते थे, हम लोक आस्था का सम्मान करके कांवड़ यात्रा निकालते हैं, ये यात्रा निकालनी चाहिए क्योंकि वे आस्था है। वे दंगा करते थे, हम प्रदेश को कानून के राज्य के साथ दंगा मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। उन्होंने प्रदेश को अराजकता के भट्टी में झोंकने का प्रयास किया था, हमने उत्तर प्रदेश को देश के विकास का अड्डा बना कर रखा है। लोग जिस भाव से उत्तर प्रदेश को देखते थे, उस भाव को हमने प्रस्तुत किया है, ये हमारे लिए एक अवसर है।